या इमाम लक्की खान लखदादे पीर बहरी आन जागदे जवान चढ़े चुड़दे जान माल की रक्षा कर लक्की खान लखदादे पीर कुल जहान ने बन्या पीर मेरा चमिल नार दी बेला पीर मेरा जिन्दार Hey guys, good morning, welcome back my another vlog. तो दोस्तों आज जो है मैं पहाड़ी मुंडा गांव बिहार से जो है महानंगल लेके आ रहा हूँ. सेकेंड टाइम मुझे मौका मिला है. तो दोस्तों आज के ब्लॉग जो होंगे चार या पांच पार्टों में होंगे. तो सबसे पहले आपको हम दंगल कमेटी को लख लख बधाई देंगे, सभी बिहार निवासियों को जो के महानंगल करवाने में जो है समक्ष हो रहे हैं, और सभी इलाका निवासियों के संयोग से जो है ये दंगल होने जा रहा है. तो दोस्तों सबसे पहले हम मिलाएंगे आपको आज दंगल कमेटी के प्रधान जी से. तो अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और साथ में समस्त इलाका निवासियों को बहुत बहुत बधाई हो. सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता देंगे साहब जी. मेरा नाम अमरजीत शर्मा जी. हाँ जी. तो सर जी कुछ ब्यौरा लेना चाहूंगा. वैसे तो पिछली बार भी दिया था, हर बार अलग अलग तरीके से होती है ना. जी, जी, जी. तो जो कि ये दंगल है, तो ये कितना दंगल होने जा रहा है इस बार? लमसम सातवां. तो गाइस जैसा कि सातवां दंगल जो है बता रहे हैं हमारे प्रधान जी, तो जो कि ये दंगल होने जा रहा है तो कितने गांवों की जोड़ होती है इसमें? इसमें मेन तो बिहार गांव की होती है. अच्छा जी. बाकी कुछ साथी हमारे बाहर भी हैं. अच्छा जी. जो बाहर से भी सहायता करते हैं. समस्त इलाका निवासियों का इसमें सहयोग रहता है. और प्रतिवर्ष हमारी यही एक इच्छा होती है कि इसको हर साल जो है एक अलग दिशा से, क्योंकि बहुत बड़े दंगल आसपास में होते हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करके जो लोगों को दिखाया जाए. ठीक है सर. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि समस्त इलाका निवासियों के संयोग से जो है ये दंगल होने जा रहा है. सभी गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पे उपस्थित है, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा. विकास भाई जो की, और साथ में हमारे बड़े भाई जी ये भी हैं. तो नाम जैसा मैं सभी का नहीं ले सकता हूँ, पता भी नहीं, और समय के नजर देखते हुए. तो दोस्तों आज के हमारे जो के मेन ढोल बात का है सदीक मोहम्मद पार्टी. तो साहब आप भी दो शब्द दंगल कमेटी के बारे में बोलेंगे. मैं दंगल कमेटी को इस बिहार दंगल की शुभकामना देता हूँ. हाँ जी. और मैं इनको ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि इलाका वासियों से कि लखदाता पीर से मैं यही विनती करता हूँ कि पूरे इलाके पर छतर छाया रखें. बहुत बहुत धन्यवाद सदीक जी, और समस्त आपकी ढोल बात पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा. तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो है भाई दिन दिन सब पे मेर करे. ठीक है सर. मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो कुश्ती दंगल परंपरा है ये कृष्ण काल से चलती हुई आ रही है, और ये जिस भी क्षेत्र में होती है इसका जो सबसे बड़ा महत्व है वो उस क्षेत्र की खुशहाली का प्रतीक है. जो हमारे गांव में सभी घर है ये जो ढोल बजता है इसका भी महत्व है. जहां जहां जिस जिस काल में ये आवाज जाएगी
उसको ये भगवान का आशीर्वाद मिलता है और भगवान से ये विनती रहती है कि किसी के घर में कोई बीमार दोस्तों, अपना जो कि ठंडा वगैरह है वो सभी को पिलाते हुए
दोस्तों ये रास्ते में मंदिर, तो गाइस अभी जो पहुंच चुके हैं हम लखदाता पीर के मंदिर में, तो ये है दरबार लखदाता का, सबकी झोलियां जो भरी। तो इस तरह से जो कि लखदाता पीर की मन मनोती हुई, तो अब चलेंगे गाइस अखाड़े की ओर। तो गाइस अभी जो है हम पहुंच चुके हैं अखाड़े में, कुश्ती दंगल भ्याड़ आपका स्वागत करती है गांव भ्याड़। तो इस तरह का यहां पे जो कि माहौल जय लखदाता पीर का, और साथ में दोस्तों देखिए पब्लिक जो है, हमारी मातृशक्ति आप देख सकते हैं अखाड़े के समीप जो है, तो कहीं कहीं पे आपको जो दंगल मिलते हैं देखने के लिए, बहुत ही उत्साहित और लखदाता पीर के। हाल की रस्म जो है हमारी शुरू होने वाली है, बोलो बोलो लखदाता पीर की।